कि आज तक जो 3 करोड़ रोनियार हैं, 15 प्रदेश की आज हम लोगों ने गन्ना के मतलब हम लोग ने हुआ कि 3 करोड़ रोनियार हम लोग हैं, उसमें आज तक रोनियार समाज को ने लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में कहीं से टिकट नहीं मिला। हमको लगता है कि जिस हिसाब से 90% हम लोग वोटिंग बीजेपी को करते हैं, लेकिन लगता है कि सबसे बेसी हमारा बीजेपी ही दुश्मन है, ताकि सभी जाति का प्रतिनिधि करने का मौका मिला, लेकिन रोनियार समाज का 3 करोड़ जनसंख्या है, उसमें एक आदमी का भागीदारी नहीं मिला। लगता है कि हमारा बीजेपी सबसे नंबर दुश्मन वन है, ताकि प्रतिनिधि करने का मौका ही नहीं मिला। और हमारे आदमी चाहते हैं कि हमारा राज्यसभा का टिकट मिले, लोकसभा का टिकट मिले, विधानसभा का टिकट मिले, लेकिन नहीं। हमने भ्रमण किया तो पता चला कि राजद टिकट दिया है, राजद टिकट बिहार में बहुत आदमी को दिया। आज हमारे सासाराम के विधायक राजेश गुप्ता है, उनको टिकट मिला। तारा गुप्ता थे, राजद से टिकट मिला। नगीना देवी लोजपा से टिकट मिला। हमारे रांची से देवदत्त साहू थे, कांग्रेस को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी आज तक टिकट नहीं दिया। हम लोग वोटिंग किस करते हैं? बीजेपी को 90% लोग बीजेपी वोटिंग करते हैं। इसीलिए हमारे समाज केवल झारखंड नहीं, पूरे 15 प्रदेश के लोग आतुर हैं कि अब हम लोग निर्णय क्या लें, जिंदगी भर क्यों मजदूरी करेंगे, अब हम लोग ठोस निर्णय पर आए। लेकिन हमने समझाया कि नहीं, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, माननीय सदस्यों को हमने बताया कि अभी कुतवाला नहीं होना है। हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान महामहिम उड़ीसा के राज्यपाल महोदय से हम 9-8 तारीख को हम जाएंगे उड़ीसा, जाकर के मिलते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं कि आपने आश्वासन दिया था 2019 में कि अगले बार आप लोग का मौका मिलेगा, लेकिन हम लोग को मौका नहीं मिला और हम लोग बगावत पर उठने जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है। उनको अभिभावक की तरह हम लोग मानते हैं और 1-8 तारीख को हम उड़ीसा जा करके उनसे मिल करके अवगत होते हैं और वो संभाल लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हमने झारखंड नहीं 15 प्रदेश में घूम घूम कर करके बीजेपी को हम लोग रोकेंगे ताकि कोई दूसरा जीते। झारखंड में तो जान रहे हैं कि फिर बीजेपी आने नहीं जा रहा है, इस जो रवैया है झारखंड में बीजेपी पुनः नहीं आने जा रही है। इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अभिभावक रघुबर दास के निर्णय लेकर के उनको जो यहाँ का जो समस्या है उनसे अवगत करा देंगे, वो समस्या का हल निकालते हैं तो ठीक है, और नहीं निकाल पाते हैं तो हमारे समाज आर पार की लड़ाई से लड़ने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, थैंक यू।